हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग हिंदी का टेस्ट पेपर नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हिंदी के, चाहे वो जनरल हिंदी का पार्ट हो या फिर लिटरेचर का हो, जिसमें आप लोगों को 9 टेस्ट पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज इसका टेस्ट पेपर नंबर 10 है। अगर पिछले आपने नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, और आने वाले जितने भी टेस्ट आएंगे, चाहे वो जीके के हैं, चाहे वो हिंदी के हैं, चाहे दूसरे सब्जेक्टों के हैं, उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। शुरुआत के साथ ही हम लोग इसको शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है वीर रस का सथाई भाव। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, क्योंकि ज्यादा बड़ा मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि पीडीएफ चलने में दिक्कत करती है, और बहुत छोटा इसलिए नहीं क्योंकि आप लोगों को फिर दिखेगा नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा इसको थोड़ा सा इस तरीके से सेट करने की कि आप लोगों को ये अच्छे से दिखता रहे। 190 पे करना पड़ेगा शायद ये 180। एक सेकेंड, राइट, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। वीर रस का स्थायी भाव है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कीजिए। वीर रस का स्थायी भाव है स्फूर्ति, युद्ध, उत्साह या विरक्ति। आपका आंसर होगा उत्साह है। दूसरा क्वेश्चन है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम के प्रवर्तक हैं, कौन है ये आपको यहां पर बताना है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम के प्रवर्तक का नाम बताना है। डंडी, पंडितराज, जगन्नाथ, मम्मट या फिर विश्वनाथ। आंसर होगा पंडितराज जगन्नाथ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, केशव कहीं न जाए का कहिए, ये प्रसिद्ध पद किस काव्य कृति से उद्धृत है। कौन सी काव्य कृति का यह वर्णन है। आंसर होगा विनय पत्रिका। 4 नंबर क्वेश्चन है, मंगल सूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। आंसर होगा आपका प्रेमचंद्र। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी वाल्मीकि, उज्जवल, द्वंद्व। आपका आंसर होगा यानी। क्वेश्चन नंबर 6, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जीही चितवर एक बार। इस प्रसिद्ध दोहे के रचयिता का नाम बताना है। यह दोहा बिहारी जी का है। क्वेश्चन नंबर 7, कवि धूमिल का पूरा नाम आपको पता है तो आप बताइए। कवि धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे। क्वेश्चन नंबर 8, यदि ए या आ के बाद ई या इह आई तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह सवर संधि कहलाती है। इस सवर संधि को आप लोग क्या कहेंगे, बेसिकली यहां पूछने की कोशिश की गई है। आइए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से आपको अंदाजा यहां पर लग जाएगा। दीर्घ संधि है, ये स्वर संधि है, गुण सवर संधि है या फिर अयादि सवर संधि है। आंसर होगा सी, यह गुण सवर संधि है। क्वेश्चन नंबर आपका आगे इसके बाद है 9वां। क्वेश्चन नंबर 9, अनंत की सही संधि होगी, अनंत की सही संधि कौन सी होगी, अन प्लस अंत होगी। इधर वाले क्वेश्चन साथ में देख लीजिए। 17वां, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत क्या होता है। रोला, छप्पर, चौपाई, छप्पे चौपाई या सोरठा। आपका आंसर होगा सोरठा, यहां पर आपका डी आंसर रहेगा। इसी के साथ एक नीचे क्वेश्चन 18वां है, छप्पे में होते हैं, छप्पे में क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर 1, प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उलाला के। यस, राइट है, ये ए आपका इसमें आंसर आ जाएगा। छप्पे में क्या होता है, पहले 4 चरण तो रोला के होते हैं और अंत के 2 चरण जो हैं वो उलाला के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां इधर देख लीजिए, घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक का नाम बताना है। आंसर होगा राहुल सांकृत्यायन, जो काफी फेमस रहे हैं, जिनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब क्या होता है। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब दोस्तों यहां पर उत्प्रेषा अलंकार का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19वां इस तरफ देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा। चांद पर थूकना, खरगोश के सींग निकलना,
पानी से घी निकलना, बालू से रेत निकलना, आपका आंसर है ए, चांद पर चुकना। क्वेश्चन नंबर 20वां, खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ बताइए। खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या रहेगा? आपके पास आंसर है वीर गति को प्राप्त हो जाना। इधर 12वां, श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार या उपयुक्त सबसे अलग। आपके पास ऑप्शन है तो आंसर होगा आपका शब्दालंकार। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, इसी लाइन में, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रदान हो उसे आप लोग क्या कहेंगे? जिस समास के पूर्व और उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रदान हो उसे आप लोग द्वंद्व समास कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, कांच का पर्यायवाची शब्द बताइए। कांच का पर्यायवाची शब्द बताना है, यहां पर आपके सामने ऑप्शन ए रह जाएगा, शीशा। क्वेश्चन नंबर 14, सदगति शब्द में समास होगा। सदगति शब्द में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। 22वां, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, 15वां क्वेश्चन, काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता का नाम बताना है। रुद्रट, भामह, विश्वनाथ या फिर मम्मट, आपका आंसर होगा मम्मट। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य संकुक का सिद्धांत क्या कहलाता है? उत्पत्तिवाद, अभिव्यंजनवाद, अनुमितिवाद या भुक्तिवाद, आपका आंसर यहां पर आ जाएगा सी, अनुमितिवाद। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है इनमें से? आपका आंसर यहां पर रहेगा भोजपुरी पूर्व हिंदी वाला। उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, अगला क्वेश्चन आपके लिए वेट कर रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहां पे क्योंकि मैं बता रहा था जितना अगर इसको बड़ा कर लेते हैं तो फिर ये आगे दिक्कत करती है पीडीएफ। यस, 24 क्वेश्चन आपका है, 23 क्वेश्चन हो चुके हैं पहले। 24 वाले क्वेश्चन में आपके लिए है, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी या फिर बघेली, आपका आंसर होगा भोजपुरी। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? यहां पर यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मगधी अपभ्रंश से, अर्ध मागधी अपभ्रंश से, सौर सैनी से या पैसाची अपभ्रंश से, तो आपका आंसर होगा अर्ध मागधी अपभ्रंश से। इस तरफ के क्वेश्चन भी देख लेते हैं, राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास का नाम बताएं, आपका आंसर है एक इंच मुस्कान। उसके साथ और क्वेश्चन इधर है, इनमें से कौन सा उपन्यास इनमें से राही मासूम रजा द्वारा लिखित है? नूतन ब्रह्मचारी, आधा गांव, काला जल या पुनर्वा, तो आपके पास ऑप्शन है, आंसर आपका इसमें से बनेगा आधा गांव वाला। उसके बाद फिर हम वापिस इस क्वेश्चन पर चलते हैं जिसकी तरफ हम शुरुआत की थी, क्योंकि इसको जितना हम, एक सेकंड में थोड़ा सा, एक दो मिनट का टाइम मुझे दीजिए, मैं इसको थोड़ा सेट ही कर लेता हूं ताकि आप लोग, क्योंकि दिक्कत यह ना कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं इस चक्कर में और मैं नहीं चाहता कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे। ऑप्शन ए शुद्ध है इसमें। आवारा मसीहा के लेखक का नाम बताइए। 37वां क्वेश्चन, आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर है। क्वेश्चन नंबर 38, बामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? कौन से उपन्यास का पात्र है बामन दास? आंसर है महिला आंचल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया, कब शुरू किया? आंसर है आपका सी, 1903। प्रेमचंद की अंतिम कहानी बताइए। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी थी पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपका, आंसर है आपका कफन। इनमें से शुद्ध, कौन सा शुद्ध शब्द है? 27वां क्वेश्चन, कौन सा शुद्ध शब्द आपके लिए वाक्य है? ए बी सी डी में से आप चुनेंगे, बी रहेगा सीता ने यह कही।
28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द इनमें से पुल्लिंग है ये पूछ रहा है, तो आपके पास आई जो है वो पुल्लिंग है। 39वां, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी, तीसरी कसम जो फिल्म है वो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पर बनाई गई थी। 29वां क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द आपको बताना है, ए रहेगा आपका। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम आपको बताना है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अधूरा रहा, इरावती आंसर होगा। बिहारी रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि है ये, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, इनमें से कोई नहीं, तो बिहारी का संबंध यहाँ रीति सिद्ध से रहेगा। 50वां क्वेश्चन, अवधि एवं ब्रज भाषा दोनों में से रचना करने वाले कवि का नाम बताना है, आपके पास आंसर है तुलसीदास जी। उसके साथ 41वां क्वेश्चन इधर है, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि का नाम बताइए, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि, आपके पास ऑप्शन जयशंकर जी है, निराला, सुमित्रानंदन, सुमित्रानंदन पर आपका आंसर होगा। चंद्रावली नाटिका के लेखक का नाम बताइए, चंद्रावली नाटक की लेखिका का नाम, भारत लेखक का नाम, यस ए, भारतीय हरिश्चंद्र जी। इधर देख लीजिए, वर्तने की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द, वर्तने की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आपका ऑप्शन ए रहेगा इसमें आंसर। वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड शीर्षक कहानी का लेखक बताइए, वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड शीर्षक कहानी के लेखक का नाम आपको बताना है, आंसर है सी, उदय प्रकाश। इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, सरोज, जलद, पंकज, जल जात, तो आप लोग सोच सकते हैं इसको, इसमें नॉर्मली अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो यहाँ नहीं हो सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो ऑप्शन होगा वो आपका जलद बन जाएगा, जलद। क्वेश्चन नंबर 33, उद्गम की दृष्टि से अमीर है, उद्गम की दृष्टि से अमीर है, देशज शब्द है, विदेशज है, तत्सम है, या फिर तद्भव है, आपका आंसर यहां पर विदेशज होगा। तिमिर का विलोम शब्द होगा, तिमिर, तिमिर का विलोम शब्द होगा आलोक। बाणभट्ट की आत्मकथा, एक नाटक, एक आत्मकथा, एक जीवनी, या फिर एक उपन्यास, आपका आंसर होगा एक उपन्यास। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर को कौन सी कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, आपका ऑप्शन आंसर होगा और वसी। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली का नाम बताना है, कौन सी रचना शैली रही, आपका आंसर है दोहा चौपाई शैली। उसके बाद चलते हैं 53वें क्वेश्चन की तरफ, 53वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे उसको देख लेते हैं। 53वां क्वेश्चन आपका है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि, इनमें से कौन सा कवि जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, आपका आंसर है जयशंकर प्रसाद। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सर्जन करने वाले कवि का नाम बताइए, आंसर होगा आपका अमीर खुसरो। विद्यालय निकदा नदी, निक्सा नदी अस्ति में कौन सी विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है, आंसर है द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 54, आधुनिक काल के किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है, कौन सी काव्य धारा में, आंसर होगा छायावाद। 63, निम्नलिखित में से अष्टचाप के कवि नहीं है, अष्टचाप के कवि कौन से नहीं है, आंसर होगा मलुकदास। 73वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों में से किस रस का निरूपण हुआ है, एक और अजगर ही लखी, एक और मृग राय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा छाए, भयानक रस, अद्भुत रस, हास्य रस, या विभत्स रस, आपको अंदाजा लग रहा है इससे, तो आपका आंसर यहां पर रहेगा भयानक रस। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा यहां 64 ले लेते हैं, निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा का दूसरा नाम बताएं, निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा का दूसरा नाम क्या रहेगा, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत साहित्य, या फिर सूफी साहित्य, आंसर होगा संत साहित्य। इधर देखिए 55वां क्वेश्चन, काल क्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि का नाम बताना है, ऑटोमेटिकली विद्यापति होंगे। भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे का आपको नाम बताना है,
आंसर होगा छतरसाल। पर्णकुटि शब्द का समास बताइए, पर्णकुटि शब्द का समास आंसर है ए तत्पुरुष। जोड़ा बताना है कौन सा इसमें ठीक रहेगा, कहां पर आपको इसको सेट रहेगा ये, तो जोड़े में देख लीजिए आप लोग ऑटोमेटिकली कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। मेरा जीवन यात्रा सही है, सिंहावलोकन यशपाल का है, नीर का निर्माण हरिवंश राय बच्चन, बसेरे से दूर अग्ञे ये नहीं है। उसके बाद 66 क्वेश्चन, राष्ट्रपति राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथना पहने जिसका, गुण हर चरण गाता है। उपयुक्त कंपनियों के उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार का नाम आपको बताना है, रघुवीर सहाय, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह और दिनकर। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, आंसर इसमें से आपका ए रह जाएगा, रघुवीर सहाय। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ, भारतेंदु युग के नाटककार का नाम बताना है, इनमें से कौन से हैं, आंसर होगा श्रीनिवास दास। क्वेश्चन नंबर 57, इस्तवार द ला लिटरेचर इंदुनी हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए, तो आपके पास आंसर रहेगा गारसादत्तासी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिवास आदिकाल की समय सीमा बतानी है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या मानी गई है, क्या निर्धारित की गई है, 1050 से 1375 तक। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक का नाम बताइए, 67वां क्वेश्चन, फ्रैंक ई के। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है उच्च उपसर्ग है। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है, 76वां क्वेश्चन, आंसर होगा लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा। 70वां क्वेश्चन, अंधा युग किसकी रचना है, अंधा युग धर्मवीर भारती जी की रचना है। 69वां क्वेश्चन, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारिये लिखने वाले कवि का नाम बताना है, तो आपके पास आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। टालस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है, टालस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है, 69 आंसर है, ऑप्शन है डी ए रहेगा आंसर, लीलाधर जगोड़ी। कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है, 70वां क्वेश्चन, कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है, आपका आंसर होगा बी। चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध है, 78वें क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा आंसर रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 60वां क्वेश्चन, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था, आप ध्यान से देखें ऑप्शंस को, रसखान बिहारी, धनानंद आलम, आंसर होगा सी धनानंद। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता का नाम बताना है, आपके पास ऑप्शन सभी हैं, आंसर होगा तुलसीदास। 71वां, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है, अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है पुष्पदंत को। निम्नलिखित में से यथाविधि का सही समास कौन सा है, कौन सा यथाविधि का सही समास है, अव्ययी भाव सही समास है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 80 पर, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, कौन सा वर्ण यहां पर ओष्ठ नहीं है, न रहेगा। निम्नलिखित में से कौन असत्य है, ऑप्शन ए बी सी डी देख लीजिए, ए आंसर रहेगा। गोरखबाणी के संपादक का नाम बताना है, गोरखबाणी के संपादक का नाम पीताम्बर दत्त बड़वाल। 89, किस रचना का दूसरा नाम आला खंड है, किस रचना का दूसरा नाम आला खंड है, परमाल रासो। इनके क्वेश्चनों को भी ले लेते हैं साथ में ही, बट मुझे लगता है ज्यादा दिक्कत होगी इसी से ले लेते हैं। 82, विसर्ग का प्रयोग, इस विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में होता है, कौन से शब्दों में होता है, तत्सम शब्दों में होता है। सजन पकारे जाए नैन मरेंगे रोए उक्ति है, किसकी यह उक्ति है, आंसर होगा सरफुद्दीन अबू अली। 83, निम्न में से कौन से शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है, ए बी सी डी, तो यहां आप देख लीजिए सी रहेगा। अपभ्रंश का मुख्य छंद बताना है, आंसर होगा ए दोहा। आगरा का बोली अक्षेत्र आप बताइए, ए बी सी डी, तो सी आंसर रहेगा बर्ज। 91, हेरा महातो दर्द दीवाणी
म्यारा दर्द ने जाना कोई उक्ती है 91। आपका आंसर होगा बी मीराबाई। पंडित सैल संत बखावड़ देहरी बसंत बुद्ध बसंत ने जाइन कथन किसका है 86। आपके पास ऑप्शन आंसर रहेगा सरयपाद। 87 परमात्म प्रकाश के रचनाकार का नाम आपको बताना है, योगेंद्र आंसर होगा। मांगी के खैबो मसीत के सोईबो लेबो को इक ने देव को दोई पक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है, आंसर है कवितावली। मुल्ला वजही की रचना 93 मुल्ला वजही की रचना आप देखिए, आंसर है कुतुब मुस्त्री। अब चलते हम लोग 94 की तरफ। 94 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रताप सिंह की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, है नहीं पूछा इसने, नहीं पूछा है कौन सी रचना प्रताप सही की नहीं है। 94 ए बी सी डी, सी आंसर रहेगा नवरस तरंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 छत प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार का नाम बताना है, सूदन लाल कवि भूषण पद्माकर भी रहेगा लाल कवि। क्वेश्चन नंबर 96 निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है, कौन से कवि जो हों नीतिकार नहीं है, आंसर होगा डी गिरधर दास। 97 निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था, ए बी सी डी, डी रहेगा लल्लूलाल और सदल मिश्र। 98 हंस पत्रिका का प्रकाशन कहां से हुआ, हंस पत्रिका का प्रकाशन बनारस से हुआ, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है, ए आंसर रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 100 दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की, आंसर है डी विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। तो ये वो 100 क्वेश्चन थे जो आपके 10वें टेस्ट में थे। पिछले 9 टेस्ट नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए, आने वाले काफी सारे टेस्ट आपको धीरे धीरे अपलोड होंगे, उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर।